प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस कालखंड में हम आपके गणित का जो जादू है, ठीक है, अर्थात गणित विषय है, उसकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए जो आपके सैंपल पेपर्स है उनसे हमने एक प्रश्न लिया है, नक्शे वाला, ठीक है, जिसमें नक्शे से संबंधित जानकारी है। तो उस प्रश्न को हमने लिया है और सारे सैंपल पेपर से प्रश्नों को हम लगातार यहाँ उतार दिए हैं और सभी सैंपल पेपर में केवल यही नक्शा दिया हुआ है, केवल प्रश्न भर बदल दिए गए हैं, ठीक है। yes. तो देखिए क्या है, प्रश्न नीचे दिए गए नक्शे को देखकर उत्तर दीजिए। अब ये नक्शा का सबसे पहले निरीक्षण करना है ना? yes. और निरीक्षण करने पर हमको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए परीक्षा में आएगा तो केवल दो प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपके सैंपल पेपर में केवल नक्शे के नीचे दो प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। yes. यहाँ कुल 6 सैंपल पेपर है तो हमने कुल 12 प्रश्न लिया है, ठीक है। yes. जो आपके सैंपल पेपर में दिए गए हैं। अब बेटा देखिए, नक्शा पढ़ना यदि हमको आता है तो हम कैसे से कैसे प्रश्न का, कठिन से कठिन प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं, यदि हमको नक्शा पढ़ना आता है तो। आपको हमने दिशाओं के बारे में बताया है कि ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? बहुत बढ़िया। हमने बताया है आपको कि किसी पन्ने के ऊपर, किसी पेज, किसी पुस्तक में, है ना? yes. या ग्रीन बोर्ड, श्याम पट्ट हो या कोई भी बोर्ड हो, उस पर जब हम किसी चित्र की बात करते हैं या किसी नक्शे की बात करते हैं तो सदैव ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर होती है, ठीक है। उसके विपरीत नीचे कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। दक्षिण कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। दक्षिण। और हम जब ऐसा सामने खड़े होंगे उस नक्शे के या उस चित्र के, तो हमारे दाहिने हाथ तरफ यानी भोजन करने वाले हाथ के तरफ कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी, हमने आपको समझाया। और ठीक विपरीत यानी हमारे बाएं हाथ तरफ पश्चिम दिशा होगी। अब बेटा आपको दिशाओं का ज्ञान हो गया तो हम आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ देखिए, श्याम पट कौन सी दिशा में है? खिड़कियां कौन सी दिशा में है? दरवाजा कौन सी दिशा में है? पूर्व। आलमारी कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। प्रदर्श पट कौन सी दिशा में है? दक्षिण। दक्षिण दिशा में, ठीक है। yes. ये टेबल उत्तर। और ये सब क्या लगी है? बेंच लगी। क्या लगी बेटा? ये बेंच यानी बच्चों के बैठने की बेंच। ये एक कक्षा का पूरा नक्शा है। काय का नक्शा है? कक्षा का। आपको देखने पर समझ में आ रहा है कि नहीं? yes. ये कक्षा है, यहाँ गुरु जी की टेबल लगी हुई है, ये श्याम पट है, ये प्रदर्श पट है, ये सूचना पट है। सूचना पट की दिशा में है? पूर्व दिशा में है। और ये बेंच लगी हुई है, ठीक है। अब बेंचों की संख्या भी देख सकते हो कितनी बेंच है, क्योंकि प्रश्न आ सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कितनी बेंच है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेंच एक रो में है, तो 1, 2, 3, 4 रो है जिसमें 6-6 बेंच है, 6-6 को 24, और इस रो में केवल 4 बेंच है, तो 24 और 4। ये पूरा नक्शा हमने पढ़ दिया बेटा। yes. अब प्रश्नों के उत्तर देने की बारी आती है। नक्शे में कुल कितने दरवाजे हैं? एक। किससे बात है? पढ़ना हालांकि प्रश्न को हो गया है, तो आप पूरा उत्तर लिख सकते हो। नक्शे में कुल मिलाकर एक दरवाजा है। एक दरवाजा है। अगर इतना लंबा ना लिखना चाहो तो केवल आप यहां लिख सकते हो एक दरवाजा, ठीक है। yes. तो दरवाजे से खिड़की किस दिशा में है? ये दरवाजा, ये खिड़की, दरवाजे से खिड़की किस दिशा में है? पश्चिम। हम लिख सकते हैं दरवाजा से खिड़की पश्चिम दिशा में है। कहाँ है? पश्चिम दिशा में है, दिशा में है, ठीक है बेटा। yes. तो ये सैंपल पेपर नंबर 1 के थे क्वेश्चन। अब सैंपल पेपर नंबर 2 के देखते हैं
प्रदर्श पट से सूचना पट किस दिशा में है? ये प्रदर्श पट है और ये प्रदर्श पट है, ठीक है? ये प्रदर्श पट है और ये सूचना पट है। प्रदर्श पट से सूचना पट पूर्व दिशा है। ये प्रदर्श पट हो गया है ना? अब प्रदर्श पट ये हो गया तो आपने कहा कि पूर्व दिशा में, ये तो नक्शे के हिसाब से पूर्व दिशा में है, किंतु ये प्रदर्श पट से कह रहा है। प्रदर्श पट के ऊपर की ओर है कि नहीं ये? यस है ना? यस, ये प्रदर्श पट हुआ। अब यहां पर रहता मान लो प्रदर्श पट, तो हम कहते पूर्व है ना? प्रदर्श पट ऊपर की ओर है ना थोड़ा सा, इसलिए क्या आना चाहिए? उत्तर आना चाहिए, है ना? प्रदर्श पट से सूचना पट उत्तर दिशा में है, ठीक है? क्योंकि बेटा ये इसके ऊपर है इसी, ठीक है? ये प्रदर्श पट यहां से आ रहा पूरा है ये वाला, ठीक, इसके उत्तर में है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर हो रहा है ना, उत्तर की ओर, ठीक है? दूसरा बोलो, नक्शे में दरवाजा किस दिशा में है? पूर्व। नक्शे में दरवाजा पूर्व दिशा में है। अब यहां पर कहता है कि सूचना पट किस, नक्शे में सूचना पट किस दिशा में है, तब आता पूर्व, ठीक है बेटा? हाँ। से पर प्रतीक के क्वेश्चन देखे, श्याम पट से प्रदर्श पट किस दिशा में है? उत्तर। अरे ये श्याम पट है और ये क्या कह रहा है? मतलब श्याम पट से प्रदर्श पट, श्याम पट ये है और प्रदर्श पट ये है, तो श्याम पट से प्रदर्श पट किस दिशा में है? दक्षिण। दक्षिण में है, क्योंकि ये श्याम पट उत्तर में है, ये नीचे, इसलिए क्या जाएगा? दक्षिण। दक्षिण लिखेंगे, श्याम पट से प्रदर्श पट दक्षिण दिशा में है। हालांकि बेटे आपको हमने कई बार पढ़ा चुके हैं, तो ये अभ्यास के लिए फिर से आपको करवा रहे हैं, है ना? नक्शे में कुल कितनी आलमारी हैं? इसे आलमारी बस उत्तर, नक्शे में कुल एक आलमारी है, ठीक है? यस। पेपर नंबर नंबर चार, बेंचों की कुल संख्या कितनी है? 28। चुके हैं आप, पलट के रख लेना, 28 ऐसा लिख सकते हो या हम लिख सकते हैं बेंचों की कुल संख्या 28 है, ठीक है? नक्शे में कुल कितनी खिड़कियां हैं? दो। नक्शे में कुल दो खिड़कियां हैं, ठीक है? ये सैंपल नंबर चार हुआ। सैंपल पेपर नंबर पांच, नक्शे में कुल कितनी बेंचे हैं? 28। 28 अभी हम ऊपर बता दिए, और नक्शे में कुल कितनी खिड़कियां हैं? दो। सेप्टेम्बर नंबर छह बोल दिया है, बेंचों की संख्या कितनी है? 28। और नक्शे में कुल कितनी खिड़कियां हैं? दो। आपको एक बार ध्यान रखना बेटा कि यदि आप पूरा पूरा लिखोगे ज्यादा अच्छी बात है, यदि उत्तर कहा प्रश्न किया गया है तो आपको पूरा पूरा उत्तर लिखना चाहिए, और यदि ना भी लिखो मान लो तो आप लिख सकते हो, जैसे यहां पर हम लिख दिया दो खिड़की, ऐसा दो खिड़की, यहां के 28 बेंचे, ठीक है? इस प्रकार से भी आप केवल संख्या दे सकते हो या दिशा का नाम लिख सकते हो केवल, ठीक है? तो उसमें आपको अंक मिल जाएंगे, परंतु हम आपको समझा रहे हैं कि पूरा पूरा उत्तर और साफ साफ लिखना बेटा, ठीक है? लिख लोगे? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया वाला? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? नहीं। बहुत बढ़िया, बोलो जय